गुड मॉर्निंग एवरीबडीज। स्टैंडर्ड फोर्थ है, सब्जेक्ट ईवीएस है, चैप्टर 1-2 है आज आपका रिवीजन में, जो पहले भी हो चुका है दो बार, आज आपको वापस रिवीजन में ले रही हूँ जो आपको करना है। चैप्टर 1 कौन सा है? फैमिली एंड रिलेशंस। अभी पहले इसके टिक द करेक्ट आंसर करवा देती हूँ जो आपको करने हैं। नंबर 1, वन डे अर्लियर रोहित फैमिली हैड मेंबर्स, ब्लैंक में क्या लिखना है आपको? 5। इसके ऑप्शन है A4, B5 या C6, तो आंसर आएगा 5। तो क्या लिखना है आपको? 5। नेक्स्ट नंबर 2, रोहित्स मदर हैज गिवन बर्थ टू, इसके ऑप्शन है अ बेबी गर्ल, अ बेबी बॉय या सी ट्विंस, तो क्या आंसर आएगा? ए बेबी गर्ल। नेक्स्ट नंबर 3 है, रोहित नाउ ओनली वॉच, क्या कर रहा था रोहित? ओनली वॉच, क्या देखता था वो? वॉच कार्टून्स ऑन टीवी, वो कार्टून्स ऑन टीवी पे, वो टीवी पे कार्टून्स देखता था, कौन? रोहित। तो रोहित नाउ ओनली वॉच कार्टून्स ऑन टीवी। अब इसके ऑप्शन है ए प्ले फुटबॉल, बी प्ले क्रिकेट, सी वॉच कार्टून्स ऑन टीवी, तो आंसर आएगा सी कार्टून्स ऑन टीवी। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, आवर इमीडिएट फैमिली डज नॉट इंक्लूड आवर मदर, तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 2, आवर रिलेटिव्स प्ले नो रोल इन आवर लिव्स, तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 3, वी आर लकी इफ वी हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 4, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर, तो आंसर आएगा ट्रू। ये आपका क्या हो गया? टिक द करेक्ट आंसर हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। अभी नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन रोहित्स फैमिली नाउ, कितने मेंबर्स थे रोहित की फैमिली में? तो देर आर 6 मेंबर्स इन रोहित फैमिली नाउ। नेक्स्ट नंबर 2, हाउ मैनी मेंबर्स आर देर इन योर फैमिली, हाउ आर यू रिलेटेड टू देम, तो आंसर आएगा देर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, मीन्स मेरे साथ कितने 5 मेंबर्स हैं, मेरे को इंक्लूड करके। I have my father and mother and grandfather and grandmother. My grandparents are my father's parents and I am their grandchild. Next, number 3. Does any member of your family not live with you? Why? My uncle does not live with us as he works in Mumbai. वो कहाँ पे work कर रहे हैं? बॉम्बे में work कर रहे हैं, मुंबई में, तो वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। नेक्स्ट नंबर, राइट 6-8 सेंटेंस अबाउट योर फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में 6-8 सेंटेंस आपको लिखना है, तो आंसर आएगा माय फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली, देर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर मदर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, माय फादर इज़ अ मैनेजर इन अ बैंक, माई मदर इज़ ए होम मेकर, माई ग्रैंड फादर इज़ ए रिटायर्ड टीचर, आई हेल्प माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन स्मॉल हाउस होल्ड वर्क्स, वी ऑल लव ऑल अनोदर। अभी नेक्स्ट आपका 2 चैप्टर है, उसके भी टिक द करेक्ट है, और एक्सटेंडेड चैप्टर 2 का नाम है और एक्सटेंडेड फैमिली, उसके टिक द करेक्ट आंसर पहले कर लो आप, ठीक है। नंबर 1, फैमिली ट्रेडिशंस आर ऑल्सो कॉल्ड संस्कार, ए संस्कार, बी वैल्यूज, सी मोरल्स, तो आंसर आएगा फैमिली ट्रेडिशंस आर ऑल्सो कॉल्ड संस्कार। नेक्स्ट नंबर 2, वी शुड टॉक टू एंड एल्डर एंग्रीली, बी पॉलिटली या सी रूडली, तो आंसर आएगा पॉलिटली। नंबर 3, पेरेंट्स वो एडॉप्ट चिल्ड्रन आर नोन एज फॉस्टर पेरेंट्स, ए गार्डियंस, बी फॉस्टर पेरेंट्स एंड सी केयर टेकर्स, तो आंसर आएगा फर्स्ट पेरेंट्स बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स,
वी शेयर अवर ब्लैंक एंड सोरो विद अवर रिलेटिव्स, तो ब्लैंक में लिखना है जॉय। नेक्स्ट नंबर टू है वी शुड स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली, ब्लैंक में आएगा स्वीटली। नंबर थ्री एल्डर्स एडवाइज यंगर फैमिली मेंबर्स एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस, ब्लैंक में आएगा एक्सपीरियंस। नंबर फोर वी मस्ट पार्टिसिपेट इन फैमिली, ब्लैंक तो क्या लिखना है गैदरिंग्स। नंबर फाइव व्हेन समवन वांट्स टू हेल्प एन ऑर्फन ही शी, ब्लैंक द चाइल्ड तो एडॉप्ट चाइल्ड। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर वन व्हाट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, तो आंसर आएगा अ फैमिली मेंबर्स ऑफ विच लिव सेपरेटली इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड फैमिली। फॉर एग्जांपल आंट्स और अंकल्स आर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड संस्कार, संस्कार मीन्स द ट्रेडिशन ऑफ अ फैमिली। क्वेश्चन थ्री वाई इज रोहित फॉन्ड ऑफ हिज अंकल एंड आंट, व्हाट डज ही लाइक अबाउट देम, तो आंसर आएगा बिकॉज दे आर वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट, रोहित लाइक्स द वे हिज अंकल आंट एंड देयर डॉटर्स टेक डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम वेज इन विच यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, आई हेल्प माई पेरेंट्स बाय ब्रिंगिंग स्मॉल आइटम्स, मीन्स आपको पेरेंट्स को कैसे हेल्प करते हैं, जैसे हमको कोई छोटी चीज़ लानी है तो वो हम ला के देते हैं फ्रॉम द नियर बाय शॉप एंड डेयरी। आई एकम्पनी माई गैदर्स वैन द गोज फॉर मॉर्निंग वर्क, आई हेल्प माई मदर इन कीपिंग द थिंग्स स्ट्रीन देयर हेयर एंड देयर इन ऑर्डर। नेक्स्ट नंबर फाइव वो आर फॉस्टर पेरेंट्स, पीपल वो एडॉप्ट द चाइल्ड आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट, जो पीपल चाइल्ड को एडॉप्ट करते हैं उसको फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन हाउ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, फर्स्ट टू चैप्टर अभी आपको ये लर्न करना है और क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है। थैंक यू।